हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी मोमोज। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तंदूरी मोमोज बनाने के लिए हम सबसे पहले डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक बाउल में 1 कप मैदा लूँगी, उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अब हम इसका डो रेडी कर लेंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है, जिसे हम जब बेलेंगे तो हमें आटा या ऑयल कुछ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा डो रेडी है। इसे अच्छे से नीट कर लेंगे और अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तब तक हम अपने मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हम 3 टेबलस्पून दही लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। ये मैंने पुदीना और कसूरी मेथी ऐड की है 1-1 चम्मच। अब हम इसमें गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। ये मेरा होममेड तंदूरी मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और काला नमक डाला है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सरसों का तेल डालेंगे। ये कुक्ड सरसों का तेल है। अगर आप कच्चा डालेंगे तो उसका बहुत रॉ टेस्ट आएगा, इसलिए याद रखिए कि हमें पका हुआ तेल डालना है इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे। अब हम फिलिंग रेडी करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप ऑनियन ऐड करेंगे। इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसमें 1 कप पत्ता गोभी एंड 1/2 कप गाजर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक और काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी फिलिंग निकाल दूंगी क्योंकि मैं ये सिंपल स्टीम मोमोज के लिए यूज़ करूंगी। अब हम इसमें 1 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग रेडी है। अब हमारा डो रेस्ट कर चुका है तो हम इसकी इस तरह से पूरियाँ बनाएंगे। हमें इसकी थिन पूरी बेलनी है। ये देखिए, इस तरह से इतनी पतली पूरी बेलेंगे हम इसकी। अब हम इसमें फिलिंग रख देंगे इस तरह से और मैं इसे पैक कर देती हूँ। अब जो भी शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसी तरह से हम सारे मोमोज रेडी कर लेंगे। अब हम इनको स्टीम करेंगे। हमें इन्हें अराउंड 10 मिनट के लिए स्टीम करना है।
ये स्टीम हो चुके हैं। अब हमने ये जो मैरिनेशन बनाया था इसमें हम स्टीम मोमोज को 10 मिनट के लिए मिक्स करके रख देंगे। इस तरह से चारों तरफ ये मैरिनेशन लगा देंगे, इसे अच्छे से कोट कर देंगे। 10 मिनट बाद हमें खाली पैन में, ये मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है, अगर आप नॉर्मल पैन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑयल ऐड करना पड़ेगा। ये इस तरह से हम सारे मोमोज को रख देंगे और सेकेंगे। हम इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ था इसलिए मैंने यहाँ ऑयल यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, ये हमारे मोमोस कुक हो चुके हैं। ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो चुके हैं एंड मोमोज रेडी हैं। मैं मोमोज की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।